नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, विनी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा मन बहुत ही तीखी और चटपटी चाट खाने को करता है, लेकिन घर पे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं होते जिससे कि हम चाट बना सकें। तो आज मेरी किचन में ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स के साथ चाट बनाएंगे जो हर किसी की किचन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड के दही बल्ले। ब्रेड सभी की किचन में होती है, और बूंदी, दही, चटनी और जीरा, ये सब पापड़ी वगैरह तो सबकी किचन में होता है। तो आइए हम बनाते हैं ब्रेड के दही बल्ले। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, भल्लों की स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो मेरे घर पे अवेलेबल थे। एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गाढ़े वाला दही लिया है। पतले वाला दही आपने नहीं यूज करना है। थोड़ा सा टोमेटो सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर पे अवेलेबल है वही ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी है भल्लों के अंदर भरने के लिए। अब फ्रेंड्स, एक कटोरी के अंदर हम थोड़ा सा दूध ले लेंगे, उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारे दही बल्लों में अच्छा सा नमक का टेस्ट आएगा। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के जो किनारे हैं उसको हम निकाल देंगे। इन किनारों को आप फेंकिए मत। जब भी आप कोई भी प्याज या टमाटर की सब्जी बनाते हैं, या कोई भी, मोस्टली सभी में प्याज टमाटर डालते हैं, तो उसके अंदर आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी ब्रेड काट लिए हैं किनारे उनके, और अब हमने जो नमक के और उनका मिश्रण तैयार किया था लिक्विड, उसके अंदर हम इसको इस तरह से डिप कर लेंगे और साथ के साथ जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं तो ब्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। और निकालने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जो स्टफिंग तैयार की थी ड्राई फ्रूट्स की, वो इस तरह से हम इसके अंदर रखेंगे और इसको फोल्ड करके एक वड़े की शेप देंगे। वड़े की शेप आप जैसे राउंड शेप में या लंबा, जो भी जिस तरह से भी आप बनाना चाहो उस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से हम दबा दबा के जो एक्स्ट्रा पानी जो उसके अंदर है वो निकाल देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम वड़े तैयार कर लेंगे। स्टफिंग जो आपने फिल करनी है वो कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप वड़ों के अंदर भर सकते हैं। तो इस तरह से आपने डाल के साथ ही इसको निकाल लेना है, नहीं तो ब्रेड जो है वो बिल्कुल ही पानी के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से कम या ज़्यादा जैसी भी स्टफिंग आपको पसंद है वो आप इसके अंदर फिल करके बना सकते हैं। ये देखिए, पहले मैंने राउंड शेप बनाया था, अब मैं थोड़ा फ्लैट शेप बनाऊंगी। इस तरह से जो भी आपको पसंद है आप बना सकते हो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरह से दबा के हम इसको फ्लैट भी बना सकते हैं। बस आपको इसको बना के थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाएं। तो ये देखिए, तैयार है हमारे भल्ले। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 से 5 ब्रेड के बल्ले बना के उनको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं अच्छे से, ताकि जब भी हम इसके ऊपर दही डालें तो ये साथ के साथ मेल्ट ना हो। तो इस तरह से फ्रिज में रखने थोड़े 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूरी है। इस तरह से अब हम इनको एक प्लेट के अंदर सजाएंगे। अब मैंने ये थोड़ी सी दही ली है, दही के अंदर ही आप थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आप इसी दही के अंदर ही आपने जो वड़े बनाए थे उनको डालिए, ताकि जो दही है वो अच्छे से वड़ों के अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप ऐसे ही दही को वड़ों के ऊपर डाल देंगे तो उसमें कभी ब्रेड का टेस्ट आने का रहता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने जो ये वड़े तैयार किए हैं वो ब्रेड से बने हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, कोई भी खा के इनको कह नहीं सकता कि ये ब्रेड से बने हुए हैं। इतने अच्छे बनते हैं ना, बहुत ही यम्मी। तो इस तरह से थोड़ी सी दही हम इनके ऊपर भी डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर दही भल्ले तो सभी घर पे बनाने में माहिर ही होते हैं, तो जो जो चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल हैं वो आप डालिए। तो इस तरह से मेरे पास पापड़ी पड़ी थी घर पे, वो मैंने इसके ऊपर डाली। थोड़ी सी बूंदी डालेंगे, उबले हुए आलू हैं, चने हैं, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हो। थोड़ी सी भुजिया या अनार के दाने, जो भी हरी चटनी जो भी अवेलेबल हो घर पे वो आप डाल सकते हो। नहीं तो ये अकेले दही डालिए, बूंदी डालिए, वो भी नहीं है तो दही डालकर आप नमक, काली मिर्च और जीरा डालिए, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। अब थोड़ी सी दही डालने के बाद
हम इसके ऊपर डाल देंगे ये टमाटो सॉस। उसके बाद नमक डालेंगे स्वादानुसार, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, और फ्रेंड्स एक स्पेशल मसाला जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब मैंने मूंग दाल के वड़े बनाए थे तब मैंने आपको बताई थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, ये वही मसाला है। तो अब हम इसके ऊपर भुना हुआ जीरा भी डाल देंगे, वो मसाला भी मैंने डाला है, आप वहां से देखिए। तो ये तैयार है दही बल्ले। दही बल्ले बनके रेडी हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने। आप इस रेसिपी को एक बार अपनी किचन में जरूर ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो आप अपनी फ्रिज से ब्रेड निकालिए और दही बल्ले की ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी और यम्मी बनती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को इंजॉय करें। थैंक यू फ्रेंड्स।